लोगों के अंदर आक्रोश है हमारे बीच में, और नेताजी हैं जिन्होंने बरसों से समाज की सेवा की है। नेताजी, आपको नहीं लगता कि जो आपने जब जिस समय आपकी राजनीति थी उस समय राजनीति कर रहे थे, आप लोगों ने ये बताया था बाबा साहब ने संविधान बनाया है, और उस समय यह था कि अगर जो संविधान की तरफ देखेगा उसकी आँख निकाल लेंगे, अगर संविधान की तरफ उंगली उठाए उंगली तोड़ देंगे। लेकिन आज जितना युवा है, आज पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनको शर्म नहीं आनी चाहिए जो संविधान चेंज कर रहे हैं? पत्रकार महोदय, आँख भी निकाल लेते, हम में ताकत है दलित वर्ग में, लेकिन समस्या क्या है? यहाँ सरकार ही उन लोगों की बैठी है जो इस बाबा साहब के संविधान को लागू करने में शर्म महसूस करती है। सर, सरकार बनाने में भी तो आप लोगों का ही रोल रहा है ना, आपने वोट दिया ना सरकार को। हम लोगों का रोल नहीं रहा इसमें, जो पूंजीपति लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो भगवा बाने के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी को खरीदना जानते हैं, यहाँ की मीडिया को खरीद करके ये सरकार बनी है, तो ये दलितों का शोषण करने के लिए सरकार बनी है। लेकिन दिल्ली का नहीं, पूरे देश का दलित जागरूक हो चुका है। इस सरकार को 2019 में मुँह तोड़ जवाब देगा यहाँ का दलित, यहाँ का बैकवर्ड, यहाँ का शेड्यूल कास्ट, यहाँ का SC, यहाँ का OBC अब इकट्ठा होगा है। इस सरकार को ये बताएगा कि जितना आपने हमारा शोषण किया है उससे ज़्यादा हम आपका दमन करेंगे। क्या नेताजी, आपको लगता नहीं है कि अब जो संगठन तैयार हुआ है तो उन्होंने काफ़ी देर नहीं कर दी है? देर से देर आए दुरुस्त आए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, देर आए दुरुस्त आए। दिमाग में तो है, हमारी इच्छा तो है कि वहाँ जाने की, वो काम करने की, देर आए तो मजबूत होकर आए।